Hello dear children welcome to my channel MSP educator dear children we are learning general science standard 7 lesson number 2 plants structure and function in this lesson we are learning about the parts of the plants which forms its structure and function of each and every part of it okay so in the previous part i taught you about the root and stem now, in this video, we are going to learn the third part that is leaf. So, in this video, we are going to discuss in detail about the structure of the leaf and function of it. Okay, so let's start, children. Leaf leaves grow from the nodes on a stem. So, children, you know uh, now you know that.

you have to observe this figure carefully okay this is a figure of a leaf and labels are given to its each and every part okay so one by one we are going to study about the parts of the leaf so the broad and spread out part of a leaf is called a leaf blade okay so this mid, uh, middle spread out part you can see now दैट इज कॉल्ड एस लीव ब्लेड और लेमिना जो फैला हुआ पार्ट होता है उसको हम लीव ब्लेड और लेमिना बोलते हैं बॉर्डर होता है उसको हम क्या बोलेंगे लीव मार्जिन बोलेंगे ओके चिल्ड्रेन सी ही नाउ लिफ मार्जिन में बी एंटायर डेंटेड और लो ओके so see here the pictures of the entire leaf margin is shown to you then dented and lobed one by one we will see that okay so entire leaf margin means it starts from here and goes straight till the end of the leaf okay like this border is called as entire okay then next is dented it means जिगजैक लाइक मैनर ओके आप लोगों ने रोज का जो लीफ है वो देखा होगा उसका बॉर्डर कैसे होता है डेंटेड होता है जिग्जैक जिग्जैक लाइक -like होता है ओके एंड दिस वन एंटायर केली का पत्ता आपने देखा है केली का पत्ता बैनियन लीफ सो इट्स बॉर्डर इज एंटायर यस एंड लोब्ड लोब्ड मीन्स हमारा जो ईयर होता है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोब शेप बोलते हैं जिसमें लड़कियां ईयर रिंग्स पहनती हैं ओके दैट पार्ट इज लोब शेप तो ऐसे शेप में ये लीफ का बॉर्डर होता है इसलिए इट्स नेम इज लोब्ड मार्जिन ओके चिल्ड्रेन अंडरस्टूड एवरी वन नाउ सी द टीप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स लीफ का जो टीप होता है

कोई कोई प्लांट को ये जो पेटियोल वाला पार्ट है वो नहीं होता है द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड जहां कॉल्ड एज लीफ बेस अंडर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस एंड दीज आर कॉल्ड सीयर

कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव ब्लेड्स होते हैं वो अनडिवाइडेड होते हैं और उनमें एक सिंगल ही मिड रिब होती हैं ओके चिल्ड्रेन सच लीव्स आर कॉल्ड एज सिंपल लीव्स और ऐसे लीव्स को हम क्या बोलेंगे सिंपल लीव्स बोलेंगे हाउ यूअर द लीव ब्लेड ऑफ लीव्स इन सम प्लांट्स इज डिवाइडेड इन टू स्मॉल पार्ट्स लाइक लीफलेट्स और कुछ कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनका जो लीप ब्लेड होता है वो कैसे होता है इट इज़ डिवाइडेड इन टू स्मॉल पार्ट्स लाइक लिफ छोटे छोटे पार्ट्स में वो लीफ जो होता है वो डिवाइडेड हो जाता है सच लीव्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ लीव्स तो चिल्ड्रन कंपाउंड लीव्स का एग्जाम्पल है टैमरिन ट्री का जो लीव होता है लीफ होता है इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ उसका उसके जो उसका जो लीफ होता है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाता है ओके एंड द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीव इज मैंगो लीफ ओके इट इज अ सिंगल एंड सिंगल लीफ ब्लेड इट इज हैविंग एंड हैविंग सिंगल मिड रिप ओके सच लीव्स आर कॉल्ड एज सॉरी यह हो गया है हमारा है ना सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ आर द टू मेन टाइप्स ऑफ लीफ सो so, लीव्स के दो मेन पार्ट्स कौन से हैं सिंपल लीव और कंपाउंड लीव अंडरस्टूड चिल्ड्रेन नाउ ऑब्जर्व एंड डिस्कस ऑब्जर्व ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइक रोज नीम कोरिएंडर एंड हिबिस्कस आप लोगों को रोज नीम कोरिएंडर और हिबिस्कस के प्लांट्स का एक ब्रांच लेके उसको ऑब्जर्व करना है इन डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज डिफरेंट ओके सो अलग अलग प्लांट्स में लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम के ऊपर वो भी अलग अलग होता है इट मे भी अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड स्पायरल एट्सट्रा ओके इतने टाइप्स के अरेंजमेंट हम प्लांट्स के लीव्स में देख सकते हैं ओके इट दे आर अरेंजड ऑन द स्टेम

स्टेम के ऊपर दैट इज कॉल्ड एज ओके दे आर अरेंजिंग इन फ्रंट ऑफ इच अदर दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अपोजिट अरेंजमेंट ओके एंड वोल्ड मीन्स ऐसे गोल शेप में वो लीव जो होते हैं वो अरेंज हो चुके होते हैं एक ही आ, एक लाइन में ऐसे गोल शेप में वो अरेंज्ड होते हैं स्टेम के ऊपर इसलिए वर्ल्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड ओके इन दिस बॉक्स ड्रॉ अ स्पेशल लीफ यू हैव फाउंड अगर आपको किस कोई स्पेशल लीफ मिल जाता है अपने आजू बाजू में तो आपको यहाँ पर उसका पिक्चर ड्रॉ करना है ओके नाउ सी अकॉर्डिंग टू शेप लीव्स आर राउंडेड मीन्स ओबोवेट राउंडेड तो सभी को पता है गोल शेप में और पा पालमेट मीन्स हमारा जो हाथ का जो तलवा होता है उस उस शेप में भी लीव्स होते हैं एंड नेक्स्ट इज लेंसीट शेप लेंसी मींस मीन्स आप लोगों ने वो भाला देखा है उसका जो पॉइंटेड एंड वाला पार्ट होता है उस शेप में भी लीव्स होते हैं देन लीनियर लीनियस मीन्स स्ट्रेट ओके लाइक दिस शेप्स of the leaves we can observe okay now you are going to do one experiment to study the leaves take a people leaf and a maize leaf and observe them carefully एक people का leaf लेना है आप लोगों ने और एक maize का मतलब जावार का leaf लेना है और दोनों को carefully observe करना है द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट बाय सिंगल मिड वेन विच लाइज अलोंग द मिड लाइन ऑफ द लिप ब्लेड पीपल का जो लिफ होता है वो इस तरह तरह से होता है एक जो सेंटर में मिड वेन होता है ओके इट लाइज अलोंग द मिड लाइन ऑफ द लिप ब्लेड ओके देकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन अभी ये जो मिड वेन है इससे सेकेंडरी वेन्स अराइज हुई है देखो यहाँ पर लाइक दिस दे आर ब्रांच एंड फॉर्म अटवर्क और उनसे फिर से वेंस के और एक नेटवर्क के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है लीव ब्लेड के ऊपर सो कॉल्ड एज रेटिकुलम अंडरस्टैंड? ऑन द अदर हैंड इन लीव्स ऑफ मे ऑल दस आर पैरल

दस द पीपल लिप ब्लेड हैज रेटिकुलेट वेनेशन एंड द मेज लिप ब्लेड द टाइप ऑफ वेनेशन आपके आजू बाजू में जो भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स की वेनेशन आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है एंड देन लिटिल फन इज गिवेन य टेक अ फॉलन पीपल लीव एंड सोक इट इन वाटर फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज ड्राई इट एंड मेक अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ अ लेस ऑफ द लेस लाइक लिव यू गेट आप लोगों को एक पीपल का लीफ लेना है उसको पंद्रह से बीस दिन तक क्या करना है पानी में सोख करके रखना है डुबो के रखना है देन यू हैव टू ड्राई इट एंड मेक अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ द लेस लाइक लीव उसके बाद आपको क्या मिलेगा वेंस का नेटवर्क ही मिलेगा सिर्फ क्योंकि बाकी का जो पार्ट है लीफ ब्लेड का वो सब गल जाएगा या फिर सड़के निकल जाएगा ओके सो यू विल गेट ओनली द नेटवर्क ऑफ द वेंस सो यू कैन मेक अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ इट यस चिल्ड्रेन नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स अराउंड यू ओके सो हियर सम प्लांट्स आर गिवन टू यू एंड यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चार्ट you have to observe the leaves of that plants and note down here okay so first column is of name of the plant second is type of the leaf you have to observe the leaf and write uh, its type of the leaf okay then shape of leaf blade venation and shape of the leaf margin shape of leaf apex then petiole पेट्योल है या नहीं आपको यहाँ पर लिखना है यस या नो के फॉर्म में है या नहीं वो भी लिखना है अरेंजमेंट ऑन स्टेम लीवस का अरेंजमेंट कैसा है स्टेम के ऊपर दैट यू हैव टू नोट डाउन हीयर ओके चिल्ड्रेन सो डू दिस एक्टिविटी चिल्ड्रेन आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक वेरी वेल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो एंड आई विल Give its solution. Okay. Thank you for watching.